हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी ट्रिपल एस वी जर्नी डे 4। तो आज हमारा है फोर्थ डे डी ट्रिपल एस वी की प्रिपरेशन का 2023 का। जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उसे पता होगा कि मैं मैथ्स और इंग्लिश जो है वो दोनों सब्जेक्ट अभी कर रही हूँ। मैथ्स में मैंने कल एचसीएफ एलसीएम किया था, आज मैं जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो है एडवांस लेवल के कुछ और पेपर्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो पढ़ूंगी, और साथ में इंग्लिश का जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका भी पार्ट टू करूंगी। पीआरटी के लेवल का जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने जो है कल कर लिए थे, आज जो है मैं उसे टीजीटी पीजीटी और कोई और जो पेपर्स होते हैं केवीएस वगैरह के हुए हैं या फिर और सुपर टैट वगैरह जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो सारे आज मैं करूंगी। तो मिलते हैं, अभी 9:05 हो चुके हैं, अभी मैं टाइमर सेट कर रही हूँ और अपना सेटअप जो है स्टार्ट कर रही हूँ। 9:05 हो गया, आज थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं, तो अभी मैं टाइमर जो है लगा देती हूँ, लैपटॉप लगा लेती हूँ पहले। बाकी ऑल सेट है, आज थोड़ा सा 5 मिनट जो है लेट हो गई मैं, थोड़ा काम कर रही थी, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए टाइमर, अभी सो ये देखिए टाइमर मैंने कर दिया है ऑन, ये टाइमर हो चुका है ऑन। अभी हम अपने फुल मोटिवेशन के साथ आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं, डे नंबर 4 डी ट्रिपल एस वी प्रिपरेशन। सबसे पहले वही एज यूजुअल मैं क्या करूंगी, अपनी रिवीजन करूंगी। रिवीजन में आपको पता है मैथ्स के टॉपिक मैंने नंबर सिस्टम के 5 टॉपिक कवर किए हैं, तो वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में मैंने कौन कौन से किए हैं। जिसने मेरी वीडियो में देखा होगा उसे पता होगा आपने ये किए हैं या नहीं किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू रिवीजन, क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज का स्लॉट लेते हैं।
सो गाइस मेरा आज का सेशन हो चुका है कंप्लीट। मुझे हो गए हैं 4 घंटे। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मुझे जो है PYQ करने थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग गया। मैं अभी आपको पूरा दिखा देती हूँ। टाइम हो चुका है 4 बज गए हैं। मैं टाइमर को कर देती हूँ पॉज रीसेट। आज जो है मैंने इंग्लिश में पढ़ा है सेंटेंस स्ट्रक्चर को। आगे जो है एक मेरे पास रह गया था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर, वो पढ़ा है। और उसके अलावा मैंने आज पढ़ी है क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और उसके PYQs। इंग्लिश में यही था, बाकी मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि PYQ थे जो हमारे, वो किए हैं आज मैंने। वो दिखा देती हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या आज पढ़ा है। ये देखिए HCF LCM का जो है आज Part 2 था 21 मार्च को हमारा। तो इसमें पहले इसका बेसिक, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस, फिर सारे DSSSP के जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे ये वो सब हैं ये सारे। सो मेरा जो है नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, कंप्लीट हो ही गया है। आप बताना आपका कितना क्या हुआ है। सो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिला होगा और आपने भी अपने DSSSP की तैयारी शुरू कर दी होगी। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम क्योंकि DSSSP एक स्टैंडर्डाइज पेपर होता है। मैंने ये पेपर दिया है, मुझे पता है, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो जिसने नहीं की है। और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और चाहें तो मुझे इस जर्नी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ इन्हीं सेशन में जो है पढ़ सकते हैं। DSSSP इतना भी आसान नहीं कि हर कोई कर ले और इतना भी मुश्किल नहीं कि कोई भी ना कर पाए। तो बहुत ही स्टैंडर्डाइज पेपर होता है, अच्छे से करना है हमें। इसलिए जल्दी तैयारी कर दी है मैंने शुरू क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे पैडागोजी हुई, मैथ्स हुआ, तो आपको जो है अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल फिर से एक नेक्स्ट स्लॉट के साथ, नए टारगेट के साथ। आज जो है 4 घंटे का टारगेट पूरा हुआ नॉन स्टॉप स्टडी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।